दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो ये बाइक है हीरो की HF 100 जो कि फ्यूल इंजेक्टर बाइक है BS6। तो इस बाइक के साथ जो है बाइक जो ओनर है वो इस बाइक से पेट्रोल निकालते समय जो है इसका जो फ्यूल का जो कैप है वो जो है तोड़ डाले हैं। तो ये जो है टूट जाने की वजह से जो है इसका जो फ्यूल पाइप है ऐसे भी तोड़कर जो है ऐसे इस तरीके से जो है सेटिंग बनाने की कोशिश की गई है, पर बाइक जो है स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसमें जो है हमें इसी कंडीशन आप देख पा रहे हैं ऐसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो इसमें जो है हमें फ्यूल का जो कैप है ये डालना होगा और दूसरा इसका ये फ्यूल का पाइप जो फ्यूल पाइप है ऐसे भी हमें डालना होगा जो कि हमें सर्विस सेंटर से मिलेगा। आप देखते हैं इसका जो पार्ट्स है वो सर्विस सेंटर पर जो है उपलब्ध है कि नहीं। तो मेरे को जो है फ्यूल पाइप नहीं मिला है और दूसरा चीज़ इसका फ्यूल ये इंजेक्टर जो कैप है वो मिल गया है। तो मैं जो है पानी का जो फिल्टर होता है RO इसका जो पाइप है इस पाइप में जो है हम इस बाइक में फिर से हम जुगाड़ करेंगे और इस बाइक को हम करेंगे स्टार्ट। तो इसका फ्यूल कैप है ये हमें नया मिल गया है जो कि हमें इसमें फिटिंग करना है। तो ये जो पाइप है ऐसे जो है हमें पुराना जो पाइप है इसके ऐसे जो है नाप कर जो है हमें इस तरीके से ऐसे काट लेना है इसी के साइज में जो है, और काटने के बाद जो है इस बाइक में हम करेंगे फिटिंग। तो आपको जो है दो कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक फ्यूल पाइप का जो पानी का फिल्टर है जो कि कैप जो है इस तरीके से होता है, इसमें ओरिंग दोनों तरफ जो है लगे होते हैं। तो ये इसमें जो है इसका सारा कुछ जो है हमें ओपन करना होगा और एक सिरा जो है इंजेक्टर फिटिंग होगा, दूसरा फ्यूल पम्प में। तो इसका मैं सारा कुछ ओपन कर लेता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो इसका इंजेक्टर जो कैप है तो ऐसे जो है इस तरीके से लॉक करें इस तरीके से, और ऐसे जो है अंदर से ये तीन तरफ से लॉक होता है और ऐसे पतला पेंचकस से जो है आपको दबा देना है तो ये लॉक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसका जो फ्यूल पम्प में जो कनेक्ट ये पाइप है ऐसे मैं ओपन कर लिया हूँ, और हमें जो है ये जो पाइप है हमने जो दूसरा जुगाड़ वाला पाइप हमने लिया है ऐसे इस तरीके से जो है आपको कनेक्ट कर लेना है। देख पा रहे हैं ये इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे सिरे में जो है, तो ये बाइक में जो है मैं टंकी फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद जो है बाइक को स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं जो है यहाँ पर ये केबल जो है कनेक्ट कर दिया हूँ और बाइक स्टार्ट है, और इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई लीकेज की समस्या नहीं है। तो आपको जो है अगर बाई दफ़ा जो है आप जो है ये फ्यूल पाइप है और इस तरीके से शिकायत आती है और सर्विस सेंटर वाले जो है 3 से 4 दिन का समय आपसे मांग रहे हैं टाइम जो है, तो आप जो है पानी का जो फिल्टर का पाइप है और दो कनेक्टर आपको लेना है और पानी का जो फिल्टर पाइप इस तरीके से लेना है। और यहाँ पर जो है आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे इस तरीके से जो है ये कनेक्ट किया हूँ यहाँ पे फ्यूल पंप में, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप बाइक को जो है बना सकते हैं और बाइक जो है स्टार्ट कर सकते हैं आप, और ये जो है कोई दिक्कत नहीं होगी इससे जो है। ये पाइप भी काफ़ी मोटा होता है, देख पा रहे हैं ये। तो मैं बाइक को रेस करके आपको दिखा दूँ, एक बार मैं रेस करूँगा हल्का। बाइक जो है प्रॉपर रेस ले रही है। और इसका इंजेक्टर कैप भी टूट गया था जो कि इसका इंजेक्टर जो है इंजेक्टर का जो कैप है इस तरीके से टूटा था, और ये टूटने की वजह से जो है इन लोगों ने ये पाइप को जो है ये सेटिंग बना रहे थे जो कि बन नहीं पाया ये, तो ये पाइप को भी बर्बाद कर दिए जो कि इस तरीके से जो है इसमें लॉक लगा होता है। ठीक है दोस्त,